बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको करक बांडा उथिया रोड पर लेकर जा रहे हैं, जहां हम आपको इस पूरे सफ़र में इंतहाई खूबसूरत मनाजिर के साथ साथ इस रोड की हालत और इसकी तामीर भी दिखाएंगे और साथ साथ आपको इससे मुतालिक तमाम तफसीलात भी बताने की कोशिश करेंगे। बांडा उथिया तहसील से करक चुंगी तक कुल 26 किलोमीटर का फासला है, जहां मौजूद पुरानी रोड अक्सर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का मुँह चिढ़ाती रहती है। इस सड़क पर सफ़र करने वाले अक्सरियत को हमेशा निज़ाम हाजमा की खराबी की शिकायत रही है। ये रोड है या फिर एक काली लकीर जो सिर्फ सिमत बताने का काम करती है, मैं ख़ुद भी कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। अगर आपको इसका अंदाज़ा है तो कमेंट करके हमें भी ज़रूर बताइएगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि अब यानी सन 2022 जहां CNW की जानिब से इस रोड की रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, इस रोड के नक्शे में कोई बेहतरी और तब्दीली नज़र नहीं आ रही। बस उसी काली लकीर पर दोबारा कालक मली जा रही है। इसके ख़तरनाक मोड़ और अमूदी चढ़ाइयां उसी जगह उसी शान से कड़ी है, जो अनकरीब बहुत सारे मसाइल और हादसात का सबब बन सकती हैं। लागत की बात करें तो ये रोड मुबैना तौर पर रॉयल्टी फंड से बनाया जा रहा है। कुल 26 किलोमीटर की इस रोड पर 37 से 38 करोड़ की लागत आएगी, जो कि 5 फेजेज में बनाई जा रही है। मैंने NHA और CNW की तमाम वेबसाइट्स जान मारी, लेकिन वहां एज़ यूजुअल कोई तफसील नहीं मिली। फिर मैंने पैकेज 4 और 5 के इंजीनियर साजिद साहब से रबता किया, जिन्होंने बड़े खुश दिली से हमें कुछ मालूमात दी हैं, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। साजिद साहब के बकौल इस रोड को मुकम्मल होने में मज़ीद 1 साल का अरसा लग सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पॉजिटिव तबसरा पेश करूं, लेकिन मैं बावजूद कोशिश के ऐसा कर नहीं पा रहा। इसकी वजह रोड की हालत, नक्शा और मैले वकू है। मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हमारे महकमों ने फंड काने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आइए आपको भी बताता हूँ। ये रोड बिल्कुल उसी काली लकीर के ऊपर बनाया जा रहा है जो कई लोगों की जान ले चुकी है। कोई मोड़ ख़त्म नहीं किया जा रहा, कोई चढ़ाई ख़त्म या कम नहीं की जा रही, बल्कि नरी पनौस और करक के बीच वाकया पहाड़ों में ये रोड जहाँ जहाँ से गुजरती है, इर्तिकाई निज़ाम के तहत वह पहाड़ हर बारिश के साथ रोड के ऊपर मौत के फरिश्तों की तरह झपट रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर रोड के ऊपर सरकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये पहाड़ नमक और जिप्सम से माला माल है और सब्ज़ा ना होने के बराबर है। बारिशों के मौसम में इस सड़क पर पहले की तरह आज भी सफ़र करना खुद के साथ ज़्यादती है, क्योंकि सिर्फ एक अच्छी बारिश यहाँ लैंडस्लाइड का बाइस बन सकती है। अलबत्ता कुछ अरसा इस रोड पर सफ़र करने वालों को सहूलत होगी, लेकिन दुआ करते हैं कि इसकी हालत बांडा गुरगुरी रोड जैसी ना हो, जो कि अपनी तामीर के सिर्फ 3 माह के अंदर पटना शुरू हो गया है। करक मिनरल्स, आइलैंड गैस और एग्रीकल्चरल लिहाज से एक मालामाल ज़िला है, लेकिन फिर भी यहाँ तरक्की के नाम पर आवाम की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। मैं किसी ख़ास सियासी पार्टी या किसी ख़ास इदारे का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इस हमाम में तमाम के तमाम नंगे हैं। शायद कुछ दोस्त ये सोच रहे हों कि जो भी है, मगर रोड तो बन रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैं भी इस रोड की तामीर से खुश हूँ, लेकिन ये खुशी मुझे सिर्फ चंद माह की लग रही है। इस रोड पर लगने वाला एक एक रुपया मेरा और आपका है। जिस तरह जब हम एक कमरा तामीर करते वक्त ये सोचते हैं कि हमारा पैसा ज़ाया ना जाए, बिल्कुल इसी तरह हमें हर सियासी वाबस्तगी से आज़ाद होकर इस इलाके की तामीर और तरक्की और इसका पैसा ज़ाया होने से बचाना है।